अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा फाइनल टर्म का दूसरा चैप्टर चल रहा है रेशो। इसकी मैंने वर्ड प्रॉब्लम करवाई थी आप लोगों को प्रीवियस वर्किंग में, चार वर्ड प्रॉब्लम हम लोगों की हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं पेज नंबर 66 का क्वेश्चन नंबर वन। पेज नंबर 66 क्वेश्चन नंबर वन। टू मेक कुकीज़ बनाने के लिए मिसेस राव नीड्स 20 ग्राम ऑफ शुगर फॉर एवरी 50 ग्राम ऑफ फ्लोर। मिसेस राव ने हर 50 ग्राम फ्लोर, मैदा जो होता है जो हम लोग केक के लिए अमूमन कुकीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसके मुकाबले में 20 ग्राम शुगर यूज़ किए। हर 50 ग्राम फ्लोर के मुकाबले में 20 ग्राम कितनी क्या यूज़ करिए, शुगर यूज़ किए। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मास ऑफ शुगर टू द मास ऑफ फ्लोर। मुझे मास ऑफ शुगर का रेशियो निकालना है मास ऑफ फ्लोर से। मिसेस राव नीड्स, जो मिसेस राव की ज़रूरत थी। एक्सप्रेस योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने से मुराद मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि दोनों को सेम टेबल, दोनों के लिए सेम टेबल पढ़ना, उसको कट करना। अच्छा, क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मास ऑफ शुगर। मास ऑफ शुगर लिखा हुआ है, सॉल्व किया डाली, सही है। मैंने क्या करा, मास ऑफ शुगर का रेशियो निकाल लिया है मैंने मास ऑफ फ्लोर से, सही है। मास ऑफ फ्लोर से मास ऑफ शुगर का रेशियो निकाल लिया। अच्छा, मास ऑफ शुगर कितना था, कितनी नीड से 20 ग्राम की, सही है, सवाल में दी हुई है, और फ्लोर का है 50 ग्राम। बोला गया है इस रेशियो को, मास ऑफ शुगर मास ऑफ फ्लोर का रेशियो 20 ग्राम और 50 ग्राम। अब इस रेशियो को बोला गया है कि मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी दोनों के लिए सेम टेबल चेंज करूँ, बाय 10, दोनों को 10 के टेबल से कट कर दूँगी। 10 का टेबल 2 तक पड़ा 20, और 10 का टेबल मैंने कहाँ तक पढ़ा, 5 तक पढ़ा, तो मेरे पास क्या आ गया 50। यानी मैंने 10 का टेबल 2 तक पढ़ा तो 20 आ गया, और 10 का टेबल मैंने क्या कहाँ तक पढ़ा, 5 तक पढ़ा, तो क्या आ गया मेरे पास 50 आ गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, अब ये मज़ीद किसी और सेम टेबल से कट नहीं हो सकता, तो यही मेरे पास क्या है, आंसर है। इस तरह मैंने क्या करा, आंसर शो कर दिया। अब आ जाते हैं इसी की नंबर बी पे, वो मैंने ए पार्ट था, अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। इफ़ मिसेस राव नीड्स 50 ग्राम ऑफ फ्लोर टू मेक 5 कुकीज़। अगर मिसेस राव को 50 ग्राम फ्लोर चाहिए 5 कुकीज़ बनाने के लिए, अगर मिसेस राव को 50 ग्राम फ्लोर चाहिए 5 कुकीज़ बनाने के लिए, हाउ मैनी शुगर डज मिसेस राव नीड्स टू मेक 35 कुकीज़। तो मुझे बताना है कि उन्हें शुगर कितनी चाहिए होगी 35 कुकीज़ बनाने के लिए, सही है। ऑब्वियसली मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो एक कुकी में कितनी शुगर यूज़ कर रहा है, वो एक कुकी में कितनी शुगर यूज़ कर रहे हैं। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि वो एक कुकी में कितनी शुगर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं क्या कर लूँगी, मैं उससे मैं 35 कुकीज़ का अमाउंट निकाल लूँगी, सही है। ऑब्वियसली जो भी अमाउंट आएगा, फ़र्ज के तौर पे वो 5 ग्राम यूज़ कर रहे हैं या 6 ग्राम यूज़ कर रहे हैं शुगर एक कुकी में, तो मैं उसको 35 से मल्टीपल करूँगी, तो 35 कुकीज़ की शुगर आ जाएगी मेरे पास। क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व की हेडिंग डालेंगे, सही है। सॉल्व की हेडिंग डालने के लिए सबसे पहले मुझे पहले 5 कुकीज़ के लिए बताना है क्या दिया, फॉर 5 कुकीज़। अगर फॉर 5 कुकीज़, 5 कुकीज़ के लिए फ्लोर शुगर और रेशो, शुगर का रेशो किससे दिया हुआ है मुझे, फ्लोर से, सही है। कुकीज़ बनाने के लिए शुगर का रेशो मेरे पास किससे दिया हुआ है, फ्लोर से दिया हुआ है। अगर फ्लोर मेरे पास 50 ग्राम है, तो मैंने आप लोगों को अभी सवाल में दिखाया था, तो शुगर कितनी है मेरे पास, 20 ग्राम है। 20 ग्राम ये 5 कुकीज़ के लिए है, कितने कुकीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ये 5 कुकीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, 5 कुकीज़ के लिए यूज़ हो रही है 20 ग्राम शुगर। लेकिन मुझे, मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे ये पता होना चाहिए कि एक कुकी के लिए कितनी यूज़ होगी, तो शुगर फॉर 1 कुकी, एक कुकी के लिए मैंने शुगर निकाली, सही है। एक कुकी के लिए निकालनी है ना मुझे, तो मुझे पास कितनी है 20, सही है, मेरे पास कितनी है 20। इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 5 से। 5 से क्यों डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि 5 कुकीज़ में 20 ग्राम शुगर यूज़ हो रही है। 5 से क्यों डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि 5 कुकीज़ में 20 ग्राम शुगर यूज़ हो रही है, तो मैंने इसको 5 से डिवाइड करा, तो 20, 5 का टेबल इतना पढ़ना है 20 आ जाए, तो 5 × 4 = 20। शुगर फॉर 1 कुकी इज़ इक्वल्स टू 4 ग्राम, सही है। क्यों, क्योंकि 5 × 4 = क्या होता है 20 होता है। 20 ग्राम शुगर 5 कुकीज़ में यूज़ हो रही है, तो एक कुकी में कितनी यूज़ हो रही है, 4 ग्राम हो रही है। लेकिन सवाल में बोला है मुझे शुगर निकालनी है 35 कुकीज़ के लिए, 35 कुकीज़ के लिए शुगर फॉर 35 कुकीज़, मुझे 35 कुकीज़ के लिए शुगर निकालनी है, तो मैं 35 को किससे मल्टीपल कर दूँगी, 4 से मल्टीपल कर दूँगी, सिंपल। 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 12 में 2 प्लस करा 14,
सही है, मेरे पास कितनी यूज़ हो रही है 140 ग्राम, कितनी शुगर यूज़ हो रही है 35 कुकीज के लिए 140 ग्राम। मिसेस राव नीड्स 140 ग्राम ऑफ शुगर टू मेक 35 कुकीज। अगेन मैं अपना सवाल रिपीट कर रही हूँ, सही है, 5 कुकीज़ के लिए 50 ग्राम फ्लोर था और 20 ग्राम शुगर थी 5 के लिए, तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि एक कुकी में कितनी शुगर यूज़ हो रही है। तो मैंने क्या करा, 20 को 5 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि 20 ग्राम शुगर 5 कुकीज़ में यूज़ हो रही थी, तो 4 ग्राम शुगर एक कुकी में यूज़ हो रही है। अब मुझे 35 के लिए निकालना है, तो ऑब्वियसली 4 को 35 से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, तो जो आंसर आएगा वो किसके कितने शुगर कितने कुकीज़ की शुगर है, मेरे पास 35 कुकीज़ की शुगर है, और कितनी यूज़ हो रही है, वो 140 ग्राम यूज़ हो रही है। ये था हमारा पेज नंबर 66 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, उसका ए पार्ट था और बी पार्ट था। अल्लाह हाफिज़।